तक ये बाकी की कलियां खिलेंगी, तब तक बी के जीवन की ननी कली भी खिल चुकी होगी। पर मासी जी, आपका आपका थार इतना हाई क्यों है? अरे तारा ना ही इनके बबुआ, पारा पारा। अरे दादी जी, जिकी ढूंढे खातिर अन्ना पेटो सासु में गए हैं, उक सिर्फ हिंदी, शुद्ध हिंदी पसंद है। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, छोटी छोटी बातन के लेकर उक देख के बहुत ही स्केर्ड फील होते। अरे हम तो भगवान से प्रेयर करत है कि वो सुखी रहे जहां भी रहे, लेकिन बस यहां ना आए। मामी जी, हम ये पानी बाहर सीढ़ी पे रखे हुए पौधों को देकर आते हैं। हम असल आराम से नहीं बैठ सकते हैं। अब हमको अन्ना पिटो के फोन करके पूछनी पड़ी कि वहां दादी जी मिली कि नहीं। कीजिए, वो हमने दरवाजे पे। खुशी जी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ खुशी जी? ननी जी, वो दरवाजे पे चिपकली। ओह खुशी जी, ये कोई चिपकली नहीं है, ये तो कोई और है। ननी जी, दादी जी, अन्ना पिटू और सासू माँ कहाँ है? वो आप ये ढूंढे खातिर गए हैं, वो आश्रम से फूलवा की और अंजलि बिटिया मंदिर गई है। हाय, आई एम किशोर, आप मुझे एनके भी बुला सकते हैं। एनके? दादी जी, आप ये मनोरमा जी, 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 जी। इस घर के नौकरों को उनकी औकात नहीं बताई गई? वो जी दादी, हम खुद की शुद्धि करके आते हैं। जी दादी जी, हमारा सामान भिजवा दो। जी दादी जी, आइए ना।
मासी जी, that's wrong, okay? आपने जो उनको कहा कि खुशी जी सर्वेंट है, वो सर्वेंट नहीं है। हेलो हाय बाय बाय, हम काहे बताई भाई कि अर्णव बिटवा हाइड एंड सीक मां इस फटी साड़ी के साथ शादी किए ना भैया ना, हम ना बोल भी, हम कुछ ना बोल भी, अगर हम कुछ कहे ना तो पार्ट वन मनोरमा यहाँ और पार्ट टू मनोरमा जौनपुर में मिलेगी। अब सासुमुख आए दो, वो आए के अरे वो की फ्रेंड है ना, बेस्टेस्ट फ्रेंड्स पर एक बार बचपन की सहेलियां है, उन्हें बताएगी जो बताना है। एक खून बरीटा छो जाके जल्दी से केसर वाला दूध 2 चम्मच डाल के लेके आओ। हाँ सुनो, सब बर्तन एकदम साफ से पीने वाले पानी से धो के लेके आना, समझी? सासू माँ के पता है के पड़ी हमरा फुनवा। दादी जी आपका मिल्क हुआ, आपने एक नौकर के हाथों हमारा दूध भिजवाया, क्या आप नहीं जानती हम नौकर के हाथों कुछ नहीं लेते? जी कुछ बातों का और कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हरिप्रकाश जी सबको पूजा के लिए बुलाइए। दादी जी हम को इतना भी नहीं पता कि नौकरों को पूजा स्थान के आसपास आने की अनुमति नहीं है, और ये तो पूजा की सामग्री को हाथ लगा रही थी। दादी जी प्लीज, आप प्लीज खुशी जी के लिए ऐसा मत बोलिए। जाओ से शुद्ध करा के ला, फिर खुद भी शुद्ध हो गया, उसके बाद ही हम आरती के लिए बैठेंगे। क्या हुआ खुशी जी? मनोरमा जल्दी करो, शीघ्र ही शुरुआत नहीं की तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, वैसे भी बहुत समय बर्बाद हो चुका है। ये आवाज
कैसी हैं आप दादी? इतने साल बाद उस रात के बाद आप हमें तो पता ही नहीं था कि आप मां बनने वाली हो। छोटे ने आपको मिलने की कितनी कोशिश की दादी, क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि आप हमसे एक बार मिले? बस बस बेटी, बाकी सब कैसे हैं? और दामाद जी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।